गमयति जगत हरत्वैव दुःखं दिनोद्धारे त्वदेव तु जननी जगत्तारिके व्यग्रता मां जननी जगत्तारिके व्यग्रता मां चं चं चंद्रकांती चकित च हासहा चाचरा शुभ्रकेशा जं जं जगत माता जगत जनहित जोगिनी जोगरूपा डं डं डकिन तं डम्बरूप शोभिता डाडहाका या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बड़ंगी दिन 25 तारीख रु आरंभ हो गलान विभिन्न प्रतियोगिता होचे विभिन्न कार्यक्रम तार भीतर होचे आज आलोचना सभा मंजासीन अतिथि मान को संबोधित करवा लगे आसूचन आम कर्मकर्ता मैंने आलोचना सभा के आयोजन कर माहेश्वरी संगठन माहेश्वरी संगठन पहला परिकल्पना करथिला बलांगीर दिन पालन करवार लगे विशिष्ट व्यक्ति विशेष जन मैंने बलांगीर अच्छा से आशीर्वाद नहीं करमर्श नहीं आरंभ कर कार्यक्रम तो आज बलांगीर रो फॉर्मेशन केनता करी हेतिला तार उपरे कहबार लागि जाउचन इटा प्रथम थर बोली कर नाइसे इतार आगरु भी सेमिनार कराई जितला किंतु इटा ऐतिहासिक काला जे कहबा के जीवा काला जे 2020 रु नेगिरी 24 तक बलांगीर दिन रो जन गुटे सफर रही छे गुटे जन तार ट्रैवलिंग रही छे तार गुटे बहुत बड़ जिनिसटे रही छे जे आज डेट रे बलांगीर दिन के लोक ग्रहण करि सारलेनो इटार नु बड़ जिनिस अमर लागि आर किछि नै से हेला परे 1 नवंबर के आम बलांगीर जिला भितर मान्यता देना एवं इथिल आम बलांगीर दिन पालन करछु मोर विचार इटा टिके संकोचित हो गला बलांगीर एंता गोटे जगह मानवीय संस्कार मुझे क्या कर कथा कहूचे अनालोचित अनावश्यक होते मुई आगंतुक पीढ़ी मान बैछन समस्ते माने टिके टिके जानबे जे बलांगीर एकला इटा एंता करे नहीं है उनका आज्ञा आए राज्य के इन बसई दे ठीक अच्छे आज्ञा 16 शताब्दी आसीगले इन कहीं घर द्वार द्वार मन को थिला का किए तो बनई देबा नक्शा किए बनाला जार की वायु पंचभूत के देखावार लगे पश्चिम दक्षिण रे अपन पर्वतमाला एवं जेन पर्वतमाला अच्छे सब पर्वतमाला गुफा मान अच्छन खोल अच्छे जेनके वायु चाप सृष्टि होगा जार द्वारा कि ये अंचल भल कर वर्षा होगा सुंदर मंदमय पवन आवा एवं आमे मैंने जीमार खाबार व्यवस्था करवा एपरी दूरदृष्टि संपन्न जेन व्यक्ति नक्शा करते आज का प्रणाम नहीं जनु तार संगे संगे कहीं थी कि बलांगीर के आम आएमु आम जगह तो अलग जगार थिला से जगह बलांगीर आवार कारण भी तो जानवाक पड़वा बलांगीर केत सुर करें कहानी पटना ठान आरंभ करूँ फिर पटना खाली आवा तापर बलांगीर पटना आवा तापर पतनगढ़ आवा तारे फिर बलांगीर आवा बलांगीर फिर बलांगीर बलांगीर पटना बलांगीर पटना फिर बलांगीर बर्तमान एटकीटा सीढ़ी उत्तीर्ण जी आम बलांगीर के पहुँचु केवे आम चिंता नहीं करी ये बलांगीर के सौंदर्य बृद्धि कर चूड़ा पाली बाले क्या काम अच्छे ये ऋषिगा बाले क्या काम अच्छे तुसरारे कण अच्छे समस्ते खाली कहूँ जे कि गोटे निर्दिष्ट इतिहास के लेकर आम चलु समस्ते आम कहू जे आठमल्लिके लेमोर जा नंबर वन तारपर चौहान मंदिर प्रतिष्ठा एवं 1617 1718 1919 जहाँ रजा हूँ बलांगीर के आएले एवं बलांगीर आमको इन शासन कले एति आम गर्वर विषय नहीं निश्चित कर आम नम्रता सहित प्रणाम जनाऊ से महान व्यक्ति मान के आमको शिक्षा स्वास्थ्य समस्त सरकार कथा जोगे
जिनथिर लगे इन एक्सरे इन ट्रांसपोर्ट थिला इन एजुकेशन सिस्टम थिला इन व्यवस्था थिला पानी व्यवस्था थिला वायुर व्यवस्था थिला सब कथा व्यवस्था कर किंतु आम समस्ते ये पशि जाइए एवं अतीतर जेन कथा अच्छे जेनटा मानव सभ्यतार कथा उठुचे मनीष जिते बड़े अमीष रु मनीष होगा रूपातरित हो संस्कार काम होते जेन बलांगीर भूमिका जेन 48 पाठ थिला पाटणेश्वरी नाम कौन स्टेट आदिशात्री देवी नुहन पाटणेश्वरी नाम हूँ 48 पाठ चांदनी पाठ भैंसगुड़ी पाठ इत्यादि इत्यादि यहाँ 48 पाठ ये 48 पाठ रे मालिकाणी से हूँ चंपा तलियन पाटणेश्वरी भितर के आठ पसमा सारे भट्टा से जो बोल करें से पाइमा जे से केन वंशर राजा कहार द्वारा कैंता कर या कैंता कर ना होता सेन केन देवता अधिष्ठात्री हेले ये पौराणिक कथा कहबार एकम्र कारण हूँ जी मोर बोलिकी शब्दा पंचभूत के चिन्हार जेन ज्ञानटा अर्पण करते जेन पूर्व पुरुष ताकूर जेन बलांगीर गठन है बलांगीर तैयारी है आम समस्ते बलांगीरिया कहूँ किंतु इन पाखर लोक को छाड़ी दौ तु बलांगीरिया हेबु कि ना हेबू आम नहीं जानी किंतु आम बलांगीर बासी ही बलांगीरिया बोलूँ पीबार पाए अलग गाढ़वार पाइन अलग चाषवास करवार पाइन अलग एवं अगिल्ला उछिल्ला पाइन उहली जीवार पाइन अलग इचिल लगे बोले चतुर्दिगे देख नाला मान अच्छे एवं बैरासर टेगले आप पूर्व आड़े रास्ता टा क्लोज है इले सुचिंतित बलांगीर आम जेन मैंने आज ठिया है आम पूर्व पुरुष मान को देख बलांगीर डीसी करेन्टर कथा टे देख बलांगीर बिजली बजेर कथा टे देख से आम एत रोग नहीं पड़ू थे सब बड़े इतिहास आमको गोटे कथा कहे तार प्रमाण कण तार ऐतिहासिक दृष्टिकर कथा कण जो लोक कथा के आज नहीं ने साहित्य जन्म हेला सृष्टि सीना आप लिपि लिखले से ही प्रस्तर जुगर इतिहास के खोजुन जो बड़े से निके जाऊन देख जे पश्चिम दिगरे जेन पर्वतटा अच्छे भीमा पहाड़ आमको केन्ता चाषवास ना धरे देसी बलांगीर कथा कहकर आज गौरव आम अनुभव कर बलांगीर आज मटी चिन्ह नैन सब मटी सामान दिशान केनटा बड़बटा केनटा रुगड़िया केनटा बालछरिया यही नहीं जानवान इन लगी दायी क्या करमा जेहेतु आम मोर नहीं बोली आम जी कही पीबार पाइन करमा कटा के जीवार लगे केतरा जगार फिल्टर लेकर आसला निष्कासन हमार लगे लास्ट टाइम जितने जमी के देवार लगे गेस्टरवर के गला ये पथ अवरोध कला बोल के आम कहीं प्रत्युत्तर नहीं दी सब बेले कहू सरकार आमको योजना दियो सरकार तो योजना दे दे योजना कार्यकारी करें मध्यस्थी लोक अच्छा से मैंने आम इतिहास आम जीवनचर्या ये सब जाक विनाश करवा गोटे चक्रांत कर दौ आपन केनर पाइन केन के जीवा केन ठान के पवन मिलवा कहीं खाइबा के मिलवा आपन को कह के किसी जाना ना आम कहीं जान नहीं पार कारण के भूली गला जे पूर्व प्रथाटा के आम आधुनिक व्यवस्था करके वैज्ञानिक दृष्टिकोण देखा करके आम निजे निजे कल्पना करदेला भरोसा करदेला से ही इंजीनियर मान मैंने से ही प्रशासन हाथ में से मैंने जेनारे ने सियाड़े जी आम हम बोली गला आगो अतीत इतिहास के भल कर जाणीजन तेरे दिखे बर्तमान पर आम प्रस्तुत हो पार्मा भविष्य कण हवा बोल एवं जापरमा जो पूर्व पुरुष आहत कथा होता जे स्वर्गत युधिष्ठिर मित्र को जक्षगान करा किंतु केत पे कहुआ जे युधिष्ठिर मिश्र किए बोले एडभोकेट थे किंतु से सामंतवाद विरुद्ध में प्रजामंडल कर गोटे आंदोलन सृष्टि इतिहास रचना करते जानते जो वेद विश्वकाल कला जे गुफा राज्य मान भर
ଇ ଜିନିଷ ମାନେ ଅଛେ। ଅତୟପୁରୀ ଏଟା କୈମୁର ଗୁଫା ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ। ଏଥିରେ ଛନ୍ଦଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମର ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ର ପାଇଁକି ସେମାନଙ୍କର ଦେନ ରହିଛି, ଉପାଦାନ ରହିଛି, ପ୍ରମାଣ ଅଛେ। ଖୋଜବାକେ ପଡ଼ବା, ପୁରାଣ ପଢ଼ବାକେ ପଡ଼ବା। ଆମେ ସେଇଟାକେ ବିଶ୍ୱାସ ନାଇଁ କରୁଛୁ, କହୁଛୁ କ'ଣ ଆଜି ଲୋକ ଚନ୍ଦ୍ର ଲୋକ ଗଲେ ହୟା କାହିଁ, ଚନ୍ଦ୍ର ଲୋକ ଜଣେ ଗଲେ ଆମର କାଁ ଗଲା। ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦ ଅଛି ତାକୁ ନେଇକରି ବଲାଙ୍ଗୀରେ ଯେଉଁ ମୋର ହୃଦବୋଧ ହେସି। ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଂସ୍କୃତି ସଭ୍ୟତା ବିଷୟରେ କିଛି ବିଶେଷ ନାଇଁ କହେ। ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦ ହେଲା ବଲମ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ, ଗିଲ୍ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ। ବଲମଟା ହେଉଛି ବାଉଁଶ, ଆଉ ଗିଲ୍ଟା ହେଉଛି ବନାଚ୍ଛିଦ, ବାଉଁଶ ପତ୍ରରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନଟାକେ। ଏବଂ ସେଥିରୁ ବଲମ ଗିଲ୍ ବୋଲିକିରି ହେଉଥିଲା, ଯେନ୍ଟା ଗୋଟେ ଥେସିସ୍ରେ ଜଣେ ଲେଖିଥିଲେ, ତାକେ ଏପ୍ରୁଭ୍ ହେଇକିରି PhD ଡିଗ୍ରୀ ଆୱାର୍ଡ଼ ହେଲା ହେଇଥିବା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। କାରଣ 1600 ମସିହାରେ ବଳରାମ ଦେଓ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ତାଙ୍କର ଇନ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିକିରି ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିବେ ବୋଲିକିରି ତାର ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ବା ପ୍ରମାଣ କିଛି ନାଇଁ ନ। ତେଣୁ ବଳରାମଗଡ଼ଟା ଆମେ ମନା ନାଇଁ କରବାର, ସେଟା ଟ୍ରେଡିସନାଲି ଚଳି ଆସିଛେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା, ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। ବଳରାମଗଡ଼ରେ ବଳରାମଗଡ଼ରୁ ଜୁନାଡ଼ିରେ ଥିଲା, ବଳରାମଗଡ଼ରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ହେଲା ବୋଲିକିରି ମୋତେ ଏପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଲାଗୁଛେ। ବଲମ ବଲମ ଗିଲ୍ରୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ହେଲା ଭଳିଆ ମୋତେ ଲାଗୁଛେ। ଏଇଟା ସେତେବେଳେ କ୍ୟାପିଟାଲ କରାହେଇଥିଲା, ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଇଂରେଜ ଅଧିକାରୀ ମିଷ୍ଟର ବେରି ଆଉ ମିଷ୍ଟର ଫ୍ରଷ୍ଟ ସେତେବେଳେ ଇନ ଥାଇକିରି ଚିନ୍ତାମଣି ନନ୍ଦଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଲା ଏ ବଲାଙ୍ଗୀର ସହର ନକ୍ସା ତିଆରି କରବାର ଲାଗି। ଏବଂ ସେ ନକ୍ସା ଅନୁସାରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ସହର 25 ପାର୍ଟରେ ଡିଭାଇଡ଼ ହେଲା। 25 ପାର୍ଟରୁ ଡିଭାଇଡ଼ ହେଇକିରି ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଜଳାଶୟ ଖୋଳା ହେଲା, କେନ ପାଣି ପିଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଲା, ସୁବିଧା କରାହେଲା, ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ କରାହେଇଥିଲା। ଏବଂ ମୋତେ ଲାଗ୍ସି କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ୱାର୍ଡ଼ସ ପିରିୟଡ଼ରେ 1771 1793 ମସିହା ଭିତରେ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ୱାର୍ଡ଼ସ ଥିଲା, ଭିତରେ ଯେନ୍ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏଠାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା ଇ ସହରର ନୂତନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରବାର୍ ଲାଗି। କାରଣ ସେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେଓ ନାବାଳକ ଥିଲେ ଏବଂ ସୁରପ୍ରତାପ ସିଂ ଦେଓ ସେତେବେଳେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ତାଙ୍କୁ ଇଂରେଜ ସରକାର ନେଇକି ରଖୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର କୁଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ କନ୍ଧମେଳି ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଅନେକ ଉନ୍ନତି ସାଧିତ ହୋଇଥିଲା, ମୂଳତଃ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ କହିମି 1892 ମସିହାରେ ସେଥିଲାଗି ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଗାର୍ଲସ ପ୍ରାଇମେରୀ ଲୋୟର ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଭର୍ଣ୍ଣାକୁଲାର ସ୍କୁଲ ଥିଲା, ବଏଜ୍ ସ୍କୁଲ 1876 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରାକ୍ଟିସିଂ ସ୍କୁଲଟା ସେ ସମୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ଏସବୁ ତ ଏବର କଥା ମାନେ, ଏଇଟା ଆଗର କଥା ଟିକେ କହିବାକୁ ଦରକାର। ମୁଁ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ନର୍ସିଂ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି, ସେ ସୁଯୋଗ ପାଇଲି ଯେ ଭୀମଡୁଙ୍ଗରି ଯାଇକରି ଥରେ ଦେଖବାର ଲାଗି ମୋର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବିବେକ ରଥ ଅଛେ ପଥର ଗୁମ୍ଫା ଉପରେ ସିଲିଂରେ, ଏବଂ ଯେନ୍ ସାଙ୍କେତିକ ଚିହ୍ନମାନେ ଅଛେ ଜିଓମେଟ୍ରିକାଲ ସାଇନ୍ସ ସେଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଗବେଷଣା ସାପେକ୍ଷ ଆମେ ନାଇଁ ଜାଣି ସେଟା କେନ୍ କାହିଁଥି ଲାଗି କରାହେଇଥିଲା, କାହିଁଥି ଲାଗି ସେ ସାଙ୍କେତିକ ଚିହ୍ନମାନେ କରାହେଇଛି ଏବଂ ସେ ଭାଷା ବା ସେ ଲିପିଟା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଆମର ଲାଗି। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଧନ ପାହାଡ଼ରେ ଭୀମ ପଥର ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗାଟା ଅଛି, ଭୀମ ପଥର ଗୁମ୍ଫା ବୋଲିକିରି, ସେନ ରେଡ଼୍ ଅକର କଲର୍ରେ ଲୋହିତ ରଙ୍ଗରେ ସେଠାନେ ଯେନ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରମାନେ କଟା ହେଇଛେ, ପାଣି ଦେଇକରି ଯେତେ ଘଷିଲେ ବି ସେଟା ଆହୁରି ଚକ୍ଚକ୍ ଦିଶୁଛି। ଏଇଟାକେ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଆଦିମ ମଣିଷର ବାସସ୍ଥଳୀ ଥିଲା ଏଇଟା। ଆମେ ନାଁରେ ଖାଲି କହୁଛୁ, ଗେଜେଟିୟର୍ସରେ ପଢ଼ିଛୁ, ମୋର ବନ୍ଧୁମାନେ ସବୁବେଳେ ପଚାରସନ୍ ଯେ ଆଜ୍ଞା ସୁକ୍ତିମତୀ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଥିଲା କି, ବୋଲେ ହଁ ସୁକ୍ତିମତୀ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଥିଲା, ସୁକ୍ତିମତୀ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା, ଚେଦି ବଂଶ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା। ଏବଂ ଏଇଟା ଆପଣ କି ମୁଇଁ ନାଇଁ କହିବାର, DC ସରକାର KB ଲାଲ ଭଳିଆ ଐତିହାସିକମାନେ ତାହାକେ କହିଛନ୍ ଯେ ସୁକ୍ତିମତୀଟା ହେଉଛି ସୁକ୍ତିଲ ନଦୀ, ସେଠାରେ ଚେଦି ବଂଶ ରାଜତ୍ୱ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ସେଟା ରାଜଧାନୀ ଥିଲା। ଠିକ୍ ସେଭଳିଆ ସନ୍ତ ବରାଡ଼ି ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗାଟେ ଅଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ନାଇଁ ଜାଣିବାର, ସେ ବାଟୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛୁ, ଏବଂ ସେଠାରେ 7ମ 8ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଅନେକ ଦେବଦେବୀ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ସନ୍ତ ବରାଡ଼ି ସାଉଦପୁରରେ ଅନେକ ଦେବଦେବୀ ମନ୍ଦିର ଥିଲା ବା ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ସମନ୍ୱୟତା ସେଠି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା।
ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଡାଇନେଷ୍ଟିର ରାଜାମାନେ ନଳ ବଂଶ ହେଲା ସର୍ବପ୍ରିୟ ବଂଶ ହେଲା କି ସୋମବଂଶୀ ରାଜାମାନେ ତାଙ୍କର କୃତି ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ନ ହୁଏ। ଏହାର ବାଦ ତୁରୁଭନା ବା ତରଭାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଖୋଜାଗଲେ ସେ ମାଟି ତଳୁ ସବୁ ଯେନ୍ ଜିନିଷମାନେ ମିଳୁଛେ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ମଧ୍ୟଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେନ ସଭ୍ୟତା ଥିଲା, ଜନମାନବ ରହୁଥିଲେ, ଉନ୍ନତ ସଭ୍ୟତା ଥିଲା। ଲୋକମାନେ ଉଭୟ ନିରାମିଷାସୀ ଏବଂ ମାଂସାସୀ ଥିଲେ। ମୋତେ ପଚାରିବେ କେନ ଜାଣିଲେ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଶିଳ ଶିଳ୍ପୁଆ ମାନେ ସେନ ମିଳୁଛେ, କଲିଗଡ଼ରେ ଶିଳ୍ପୁଆ ମିଳୁଛେ, ଶିଳ୍ପରେ ଶସ୍ୟଜାତୀୟ ଜିନିଷମାନଙ୍କୁ ପେଶା ହେଇକରି ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ମାନେ ଥିଲା, ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ତାଙ୍କର ଶସ୍ୟ ସବୁ ସଂଗ୍ରହିତ କରି ରଖୁଥିଲେ ସେମାନେ। ଏଇଟା ଇତିହାସର ତଥ୍ୟ, ଏଇଟା ଗବେଷଣା ସାପେକ୍ଷ। ଗାଙ୍ଗେଦେବ ମାନେ କଳଜୁରୀ ରାଜା ଗାଙ୍ଗେଦେବଙ୍କ ସେଠି ମିଳିଛେ। ସଇଁତଳାରେ ସେଭଳିଆ ସର୍ବପ୍ରିୟ ରାଜାମାନଙ୍କର ମହେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟଙ୍କର 54 ସୁନା ମୋହର ମିଳିଛି ସେଠି। କିନ୍ତୁ ଇତିହାସରେ ଲେଖା ହେଇଛେ ନା ଏଇ ଅଞ୍ଚଳକେ ସର୍ବପ୍ରିୟ ମାନେ ଶାସନ ନେଇ କରୁଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଲେଖା ହେଇଛେ ସର୍ବପ୍ରିୟ ମାନେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାସନ ନେଇ କରୁଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ଅତୀତରେ ନଳ ସର୍ବପ୍ରିୟ ସୋମବଂଶୀ ରାଜାମାନେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାର ବ୍ୟତୀତ ସୋମବଂଶୀ ଶାସନ କାଳରେ ଆମେ ଯେହେତୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅବସ୍ଥିତ, ମଧ୍ୟ ଜାଗାରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯେ ଉଭୟ ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ପ୍ରଭାବ ଏଠି ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ମଧ୍ୟ ଭାରତର କଳା ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଶିଳ୍ପର ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର କଳା ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିଛେ। ଯେନ୍ତା ନହେଲେ ଆମର ତିଆରି କରବାର ଯେନ୍ତା ସବୁ ନାଗର ବେସାର ବା ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ସବୁ ଅଛେ, ଆମେ କାଁ କରି କହୁଛୁ ଯେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ କୁଶୁଳୀ ବୋଲିକିରି ସେଟା କୁହାଯାଉଛେ। କୁଶୁଳୀ ଢାଞ୍ଚାରେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ଖାକାର ମନ୍ଦିର ରାଣୀପୁର ଜରିଆଲରେ। ମୁଁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସଭାରେ କହିଥିଲି, ଆଜି ବି ସେଇଟା କହୁଛେ, ଯେ ଏଇଟା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଯେନ୍ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ହେବା କଥା, ଆଜିକାଲି ଆମ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ଲାଗି ଯେନ୍ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆ ହେଉଛି, ସେ ତୁଳନାରେ ଐତିହାସିକ ଯୁଗରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଇନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନେ ଥିଲା, ପରିମଳଗିରି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଥିଲା, ରାଣୀପୁର ଜରିଆରେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଥିଲା, ଗୋଲକିମଠ ବିହାର, ସେଠି ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା କରାହେଉଥିଲା, ତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଥିଲା, ଆୟୁର୍ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼ା ହେଉଥିଲା, ତା ସହିତ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି କରିପାରିବେ ସେଇଟା ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେଠି ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ପଢ଼ା ହେଉଥିଲା, ଆୟୁର୍ବେଦୀୟ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦିଆ ହେଉଥିଲା। ଗୁରୁ ନାଗାର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଇଁ ସାତବାହନ ରାଜା ସେଠି ବୌଦ୍ଧବିହାର ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ନା, କି ଏଣେ ମାରାଗୁଡ଼ାରେ ଶୈବ ବିହାର ଥିଲା ଏବଂ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନରେ ବୌଦ୍ଧ ବିହାର ଥିଲା, ସେଠି ପ୍ରଜ୍ଞା ପରମିତା ପୁସ୍ତକଟା ରଚନା ମଧ୍ୟ କରାହେଇଥିଲା, ମୁଚଲିନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧ ଗଣିଆପାଲିରେ ଥିଲା ଏବଂ ଏ ବୌଦ୍ଧ ବିହାରରେ ହରିଶଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳରେ ସେଠି ଆୟୁର୍ବେଦୀୟ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦିଆ ହେଉଥିଲା। ଏହାର ବ୍ୟତୀତ ରବର୍ଟ କେମ୍ ସେନ୍ ବୋଲି ଜଣେ ଗବେଷକ ଆମେରିକାରୁ ଆସିଥିଲେ 1878 ମସିହାରେ ଏବଂ ହରିଶଙ୍କର ପାଖରୁ ସେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ କେତେଟା ପାଇଥିଲେ, ଯଥା ହୁକ୍, ମାଛ ଧରବାର ହୁକ୍ ପାଇଥିଲେ, ବଂଶୀ କଣ୍ଟା ଭଳିଆ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛେ, କେତେଟା ପଥର ପାଇଥିଲେ, ବୋଧ ଜୁନି ଏବଂ ଲିଙ୍ଗର ସାହିତ୍ୟ ବା ପଥର ବଳୟ ପଥର ଗୁଡ଼ାକ ପାଇଥିଲେ। ସେଇଟା ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ସୌରାଲ ଗୋଟେ ସେଇଟା ପାଇଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲା, ତାପରେ ସେ ଜିନିଷ କାହିଁକି ଗଲା ଆଉ ନାଇଁ ମିଳିଲା। ଆଉ ହରିଶଙ୍କର ପାଦଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତା ଥିବା ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ, କାରଣ ହରିନାଥ ଦେଓ କୁମୁଡ଼ା ପାଖରେ ତାଙ୍କର ତୈତଳ ଜନପଦରେ ବା ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ ତାଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା, ସେଇଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି କୌଶିଲକୁ ଆଣିଲେ, ରାଣୀପୁରରେ ଜରିଆଲରେ ସେଇଟା ରାଜଧାନୀ ହେଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାଜଧାନୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ପାଟନାଗଡ଼କୁ ଆସିଲା ଏବଂ କୃତିବାସଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ନିଃସନ୍ତାନ ଥିଲେ ବୋଲିକିରି ତାପରେ ତାଙ୍କ ରାଣୀ ହେମନ୍ତ କୁମାରୀ 5-8 ମଲିକକୁ ନେଇକିରି ସେ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କଲେ ଏବଂ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ପପୁଲାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ
एटा जे डी बेगलारू आरंभ करी के बी लाल आर सी मजुमदार मध्य लिखिंट गोटे पॉपुलर गवर्नमेंट लोक मान द्वारा ग्रहण होता सरकार से समय आसिक चौहान वंच राजा से विताड़ित करदे नष्ट करदे नुआ सरकार गठन कले चौहान वंच शासन आरंभ है। चौहान वंच शासन आरंभ रु 1800 सिपाही विद्रोह पर्यंत खाली उत्थान पतन राज्य विस्तार ही राज्य ड्राफ्ट मेमोरांडमटा युधिष्ठिर मिश्र लिखी ताको सबमिट करवाई जिते बड़े हजार हजार संख्य प्रजा मैंने बलांगीर पैलेस जमा हेले राजा को डका हला राजा बाहर थे दाबी सब सौहृदार सहित ग्रहण करवा बाध्य दाबी थी आमको मौलिक अधिकार दि जाऊ कारण बेठी बेगार लोप करा जाओ मगन रसन बंद करा जाओ फोर्स लेबर बंद करा जाओ से मैंने असहयोग आंदोलन करते सचेतनता कार्यक्रम सहित असहयोग आंदोलन करते गाँ गाँव में जाकर हरिजन मान मंदिर प्रवेश आरंभ करूताकटा एवं स्कूल रे पिला शिक्षा प्रदान करवार लगे विभिन्न पदक्षेप नहीं अनेक लोक मना करसन जे बलांगीर स्वाधीनता संग्राम नहीं बोलिकी मोर तो मन हो 1984-86 मसीह सेमिनार मानक गले पचरा तुम बलांगीर किसी नहीं बाबू कह बोलिकी से बहुत धारणा कहीं लेखा नहीं कौन सी जगह लेखा नहीं किंतु रेकर्डेड हिस्ट्री अच्छे जेटी कृषक दल गठित होता प्रजामंडल आंदोलन आरंभ होता स्टेट पीपुल्स कन्फरेन्स गोटे पार्ट थिला एवं सेमाने ओहरात्र लगी अन्याय विरुद्ध अत्याचार विरुद्ध सामंतवाद सरकार विरुद्ध स्वर उत्तोलन करने भितर वर्तमान सुधा 9 जन सरकार द्वारा स्वीकृति प्राप्त स्वाधीनता संग्रामी आम से कपिलेश्वर प्रसाद नंद किंवा आमें युधिष्ठिर मिश्र को युधिष्ठिर मिश्र नरसिंह नंद आहरी 6 जन से भितर अच्छे पूज्य विहारी मेहर दिवाकर बैधर इत्यादि किंतु परवर्त समय 47 मसीह भारत स्वाधीन हैला आगु युधिष्ठिर मिश्र कन्स्टिट्यूंट असेंबली मेम्बर थे से प्रश्न पचारिथिले जे अन्य स्टेट रे सेडी लेजिस्लेटिव असेंबली एवं सरकार तैयारी सरकार को लोकप्रतिनिधि मान को क्षमता प्रदान कराई बलांगीर में कहीं क्षमता प्रदान कन्स्टिट्यूएंट असेंबली रेकर्ड लिखाई 117 पाराग्राफ रही से नंबर 1914 बोली मोर मन पड़े आई एम सीन इट देखी जाए नेशनल आर्काइव्स एवं परवर्त समय स्वाधीन है 48 मसीहा गडजात मिश्रण है एवं गडजात मिश्रण पर मधु बा अन्य मैंने समस्ते कहते गडजात मिश्रण 1 जनवरी 1948 मसीह से तीन टा वर्तमान तीन टा जिला को लेकर गठित होता यहाँ सोनपुर बलांगीर एवं कलाहांडी किंतु 1949 मसीहा नवेम्बर 1 तारीख में कलाहांडी अलग हो गला आठ लिखा है बलांगीर बोली लिखा है बलांगीर जिला सोनपुर और बलांगीर को लेकर बलांगीर जिला गठित है मनाबार लगी माहेश्वरी संगठन पिला मैंने बाबू मैंने मत 2020 मसीह जाकर पचारिथिले मसीह कारण से दिन आम स्वतंत्र जिला भाव आम जिला तो होता स्वतंत्र जिला भाव पाद पड़ा तेणु आज समस्त हो जाइक बलांगीर स्वर्गत पूर्णचंद्र रथ से बहरे लिखिचन आमरी अंचल गणतंत्र शासन थिला 900,000 वर्ष पूर्व लुके निर्वाचित करुथिले प्रतिनिधि मानको एवं शिव बाबू जेंडा कहले
लोक मान सरकार लोक मान पसंद सरकार ताकि गणतंत्र शासन बोल एवं जत से गणतंत्र शासन ताके पोषि पालिक बड़ कले से जवान हला ये आठ मल्लिक मानक सात जन को मारिदेला पटनागढ़ में गोटे आड़े मुंडार गोटे आड़े गंडी थुपीदेला जे ताकु पाली पोषि बदला गोटे घर आगे मारिदेला एवं निजे रजा हला बोल घोषणा कला एवं से हूँ रमाई देव पूर्णचंद्र रथ लिखिचन गणतंत्र शासन लोप होगी जो राजतंत्र प्रतिष्ठा हला धीरे धीरे ये अंचल अनुन्नत हो गला शिक्षा जेन दिल्ली के जाइले पुरस्कार नवार लगी जे सारा भारत बर्षर पूर्वांचल जिते एरिया अच्छे से भितर सबुत्र बेसी विकास करिछे बलांगीर जिला विशेष करी जलसेचन रे विशेष करी पानी सुरक्षा रे इरा गुडा कम कथा नुए से हेई पारे मोटा मोटी भाव रे आमे एक नंबर बोली पुरस्कार नै पाई किंतु मुई जेतेबेले पश्चिम ओडिशा विकास परिषद रो अध्यक्ष थिली से समय रे सर्वे करथिली बलांगीर रे 3% जलसेचन थिला गला 10 वर्ष भितर जेन सब विकास होचे विशेषकर जलसेचन क्षेत्र में से आम ईस्टर्न जोन रे नंबर 1 हो डिस्ट्रिक्ट एवं पुरस्कृत हो खाली से नुहे से भारत बर्ष नीति आयोग बोल जेनटा अच्छे से मैंने कहीचन जे बलांगीर विकास होचे बलांगीर तले आहरी 13 जिला अच्छा तार मैंने आम आस नंबर जिला नुहे से कि पुराणा जिला हिसाब से शिक्षार उन्नति के बलांगीर ने हेबा राजेन्द्र यूनिवर्सिटी है आम खुशी है यूनिवर्सिटी है बोल किंतु प्राय 90% शिक्षक नहीं अणशिक्षक पोस्ट गुड़ाक 95% खाली अच्छे पाठ पढ़ा हवा इतने कहीं पाठ पढ़ा हवा आज स्कूल मान कर शिक्षक ना 5T ना रंग लगेदेले शह शह कोटी टंका खर्चा हला किंतु शिक्षक निजुक्ति नहीं हो पार्ला शिक्षा माने हूँ उच्च मानर शिक्षा उच्च मानर शिक्षा करवाके भल मास्टर दरकार भल मास्टर दरकार भल दरमा दरकार ई बाबद माहेश्वरी अनुष्ठान तरफ रु कि बलांगीर दिन हिसाब से जेन बंधु माने पालन करुछन से माने लोकन को सचेतन करवार कथा खाली बलांगीर दिन बोल दिन टे वर्षक पालन करदे उनिया दिन आम जब तुफिक रहा इटा अर्थहीन हो सारा जिल्ला रे लोके जानवार अच्छे आम के उन्नत केन्दा अवनति हो फेर का उन्नति आड़के आम के जाऊ कण कले आहरी बेस उन्नति हवा से शिक्षार विकास हबार कथा गाँ के गाँ जीवार कथा सब डिविजन मान को जीवार कथा टाउन रे लोक आहरी शिक्षित करवार कथा जार द्वारा कि बलांगीर विकास हो पार्बा आर इथरे जदि दलमत निर्विशेष समस्त आम एक नहीं हवा समस्त जदि आम एक नहीं हवा तू तू अवलोकन करवार लगी आगामी दिन रे इतिहास सृष्टि करवार लगी नवंबर 1 बलांगीर लगी गोटे ऐतिहासिक दिन हो इटा ही मोर सब शुभ चिंतन बंधुगण अनेक लोक कहले वक्ता मैंने भी कहले मुझे भी शुणुली खुशी होली बलांगीर समृद्ध अंचल थिला
बलांगीर यूनिवर्सिटी थिला, बलांगीर लोकमानकर सरकार थिला, बलांगीर ब्ला 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 सब थिला, काणा हेगला जे बलांगीर तासपति लेकिन बुसडी गला से ट्रांजिट पॉइंट मु नै पाउछे थिला किन जगह परिवर्तन होगा जे बलांगीर गोटे समय 13 नंबर जिला आ गोटे समय 30 नंबर जिला किंतु जहा हूँ नीति आयोग रिपोर्ट अनुजाई आम 17 नंबर जिला इथर बलांगीर कौनसी ना कौन क्षेत्र में भारत बर्ष पुरस्कार पाइछे इटा आम लगे एनकरेजिंग पारे किंतु वास्तव क्षेत्र के देखले आज भी आपण को अवसाद रहा आज भी दुख रहा प्रथम आलोचना करवा बलांगीर अच्छे कण आम कहे तानुआर अधिका मुई कण कहमी से कण तार 10% भी नहीं जानी किंतु बलांगीर इतिहास रे गोटे वीरत्वर इतिहास के ना देखी जे बलांगीर इतिहास रे गोटे वीरत्व इतिहास अच्छे जे किए कार संगे लड़े करें विजयी होचु स्वाधीनता संग्राम जहा हूँ 1930 पर आम ना लेखा है से लगे बहुत खुशी लगला जे आगु आम मैंने नहीं जानूते जे स्वाधीनता संग्राम आम भूमिका कण थी एवं हुए तो कही पार्मू जे स्वाधीनता संग्राम इटा भूमिका थी चूड़ापाली बलांगीर के रैली में आसी पैलेस के घेरव करते मानदाता सिंह आमर प्राउडा से दुई दुई जन स्वाधीनता संग्रामी के सेल्टर देते किसी तो तथ्य आम पाखे आसला से वीरत्वर इतिहास सृष्टि करबार लगे समृद्धर इतिहास के आउ टे समृद्धि करबार लगे आसमा प्रकृति रे आमर काणा नहीं न प्रकृति आमको पूरा दिल खुली करी दीछे हाथ खुली करी दीछे आपण चिंता करूँ नौ नौटा नदी जदि तेल रिवर ट्रिब्यूटरी मान के देखमा नौ नौटा नदीर जिला आज जलसेचन लगी पुरस्कार पाचे ये तो प्रत वर्ष